नमस्कार दोस्तों, अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप लोग को इस वीडियो को जो है लास्ट तक जो देखना होगा। SBI अकाउंट में स्टेटमेंट निकालने के लिए अब आपको बैंक जाने का जरूरत नहीं है। SBI अकाउंट का हम स्टेटमेंट निकालेंगे बिना योनो एप्लीकेशन यूज किए, बिना इंटरनेट बैंकिंग यूज किए। SBI में जो ये सब मेथड जो है पुराना हो चुका है स्टेटमेंट निकालने का, लेकिन हम SBI में नए मेथड से जो है अकाउंट का स्टेटमेंट निकालेंगे। आप इस स्टेटमेंट को जो है कई जगह जो है यूज कर सकते हैं। इसमें जो है पहले से ही डिजिटल सिग्नेचर जो है किया हुआ है इस स्टेटमेंट पर। चलिए हम जो है अपने SBI अकाउंट का जो है स्टेटमेंट निकालेंगे। स्टेटमेंट निकाल कर देखेंगे कि हमारे अकाउंट में जो है कब कितना पैसा आया हुआ है, कितना पैसा गया हुआ है। इसी चलते हमें जो है अपने अकाउंट का जो है स्टेटमेंट निकालना होता है। फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बरमाटे। चैनल पर नया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। SBI अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है SBI क्विक। जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इंटरफेस जो है इस प्रकार का नजर आ जाएगा। आप इसमें जो है अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जो है अकाउंट सर्विस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन में जैसा कि दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आप इतने सारे ऑप्शन जो है दिया गया है। तो चलिए हमें अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है। तो अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ। तो यहाँ पर देखिए मैसेज वाला ऑप्शन दिया गया है, तो हमें जो है इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर जो है इंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको 4 डिजिट का जो है पासवर्ड इंटर करना होगा। पासवर्ड तब आपको काम आएगा जब आपके मेल पर जो इन लोग अकाउंट का स्टेटमेंट सेंड करेंगे, तो मेल पर जो है आपका पास जो आएगा अकाउंट का स्टेटमेंट, उस पर जो है लॉक लगा हुआ आएगा। तो उसी जो आप लोग को 4 डिजिट से इसी चार डिजिट जो है ओपन करना होगा। आप इस 4 डिजिट को कहीं पर जो पासवर्ड को जो लिख कर रख लीजिएगा। सबमिट पर जब क्लिक कीजिएगा तो सीधे ये जो है मैसेज में जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो रीडायरेक्ट होने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक SMS जो है सेंड करना होगा। तो चलिए हम SMS हमारा यहाँ पर जो है सेंडिंग हो रहा है, मैसेज सेंडिंग भी हो चुका है। अब कुछ हर जो है हमें वेट करना होगा। अब आप लोग को जो है चेक करना होगा कि आपके मेल पर जो भी आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड मेल एड्रेस है उस पर जो है अकाउंट का स्टेटमेंट गया है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट पर जो ये मेल आईडी जो है बताया जा रहा है उस पर जो SBI अकाउंट वाले जो है आपका स्टेटमेंट जो है सेंड कर दिए हैं। तो चलिए हम अपने मेल को जो है ओपन करके आप लोगों को बताते हैं। मेल को जो है ओपन कर लिए हैं, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं डेट और टाइम, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं मेल हमारा ओपन हो चुका है। अब इसके बाद यही जो है हमारा अकाउंट का जो है स्टेटमेंट है जो भी है PDF फॉर्मेट में जो है आया हुआ है, इसको आप लोग को जो है डाउनलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट अकाउंट का जो है डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम डाउनलोड होने दे रहे हैं। इसके बाद हमारा PDF यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है पासवर्ड लगा हुआ है इस PDF पर। तो इसको ओपन करने के लिए जो हम पासकोड बताए थे कि आप अपने अनुसार इसको पासकोड जो है इंटर करना होगा जो आप वहाँ पर इंटर किए थे। तो चलिए हम उस पासकोड को यहाँ पर इंटर करते हैं और ओपन वाला ऑप्शन पर जो है हम क्लिक करेंगे। तो ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट का स्टेटमेंट जो है यहाँ से ओपन हो चुका है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर नेम आ गया, पिताजी का नेम आ गया, आपका पूरा एड्रेस आ गया। इसके बाद देखिए आपका जो भी अकाउंट का स्टेटमेंट आया हुआ है, कितने दिन का स्टेटमेंट आया हुआ है, सारा यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। अब इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट हुआ है तो इस वाला ये वाला ऑप्शन है, और जो अभी आपके अकाउंट में पैसा कटा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन है, और कटने का पैसा जो भी बचा हुआ है तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। अगर पैसा आया हुआ है तो कितना आया हुआ है, कितना जोड़कर टोटल हुआ है, वो भी यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है। इसके बाद आपको डिस्क्राइब भी किया गया है कि आप इस पैसे को जो है कहाँ पर ट्रांसफ़र किए थे, किसको दिए थे, तो वो भी सारा जो है देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वो भी लिखा हुआ है। तो आप इस अकाउंट का स्टेटमेंट जो है कहीं पर यूज भी कर सकते हैं। इसमें जो है डिजिटल सिग्नेचर जो है पहले से किया हुआ है, आप इसको जो है सिग्नेचर करने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है डाउनलोड करके, या ये डाउनलोड हो गया पहले से, आप इसको जो है प्रिंट करके आपको कहीं पर अगर देना है तो आप इसको जो है स्टेटमेंट को जो है दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप SBI अकाउंट का जो स्टेटमेंट निकालने का नया तरीका जो है सीख चुके होंगे। आप बिना इंटरनेट के भी आप SBI अकाउंट का जो है स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करना है। अगर आप इस वीडियो को फ्रेंड के पास शेयर करते हैं तो अगर फ्रेंड भी अगर आपका SBI अकाउंट का होल्डर है तो भी अकाउंट का स्टेटमेंट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा होगा तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं।